वेलकम टू स्काउटिंग वर्ल्ड। आज इस वीडियो में हम देखेंगे लीवर हिच, जिसे मार्लिन स्पाइक हिच के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर लोग इसे मार्लिन स्पाइक हिच ही बोलते हैं, मगर लीवर हिच भी इसका एक नाम है। आप देखे होंगे अक्सर जब पेंटर पेंट करने के लिए हमारे घर के बाहर की ओर उतरते हैं सीढ़ी के थ्रू, झूले के थ्रू, जिसे वो झूला बोलते हैं, इंग्लिश में लैडर कहा जाता है, रस्सी का जो लैडर होता है उसमें लकड़ियों को बीच में इस प्रकार से बांधा जाता है कि पेंटर आसानी से नीचे उतर सके सीढ़ी के माध्यम से। उसमें जो गांठ का उपयोग होता है, जो हिच का उपयोग होता है, उसे लीवर हिच या मार्लिन स्पाइक हिच बोलते हैं। आइए देखते हैं लीवर हिच कैसे बनाया जाता है। रस्सी के बीच में एक लूप बना लेंगे, वो कुछ भी हो सकता है। आप चाहे तो ओवर हैंड लूप भी बना सकते हैं ये, या फिर अंडर हैंड लूप भी बना सकते हैं, जो कि ये इस प्रकार से होता है। लूप बनाने के बाद एक सिरे में, कोई भी एक सिरे को उस लूप के ऊपर से रख देंगे इस प्रकार से। लूप के ऊपर रखने के बाद ये जो रस्सी हम सिरा लूप के ऊपर रखे उसको हल्का सा खींच देंगे। खींचने के बाद ये जो बचा लूप यहाँ पे लकड़ी को रख देंगे, जिस प्रकार से ये मैंने यहाँ बीच में रख दिया, और उसके बाद टाइट कर देंगे। ये हो गया हमारा मार्लिन स्पाइक हिच। ये एक साइड से इस प्रकार से दिखेगा और दूसरे साइड से इस प्रकार से दिखेगा। जब आप इधर से देखेंगे मार्लिन स्पाइक हिच को, तो आपको ये भी सही लगेगा और तो और ये भी सही लगेगा। परंतु मार्लिन स्पाइक हिच या लीवर हिच कभी भी इस प्रकार से नहीं होता। अगर आप इधर से देखेंगे दूसरे साइड से, तो ये इस प्रकार रहेगा। मार्लिन स्पाइक हिच को अगर आप इस प्रकार से प्रदर्शित करें या इस प्रकार से बांधें, ऊपर जो लकड़ी और बनता जाएगा यहाँ, वो अगर आप इस प्रकार से यहाँ पे बांधते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये जो लॉक है मार्लिन स्पाइक हिच का, ये जो लॉक है, ये लॉक हमेशा नीचे की ओर रहेगा। ये इसी के लिए होता है कि अगर कोई इसमें सीढ़ी में इस प्रकार यहाँ पैर रख के ऊपर चढ़ता है, तो आप इसमें कितना भी दबाव डालेंगे ये खिसकेगा नहीं। परंतु ये लॉक, जो नीचे लॉक है, वो लॉक अगर उल्टा हो गया इस प्रकार से, तो अगर आप यहाँ पे दबाव डालेंगे तो ये धीरे धीरे नीचे ऐसा खिसकता जाएगा, जो कि गलत होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, कभी भी मार्लिन स्पाइक हिच या लीवर हिच बांधें तो लॉक को नीचे रखें।